सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक कंप्लीट वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन करना। स्टार्टिंग से लेकर कैसे वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है वो आप कंप्लीट इस वीडियो में सीख लोगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिखाया था कि कैसे रेडीमेड टेम्पलेट से वेबसाइट क्रिएट की जाती है, तो आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा और ये वीडियो उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग के बेसिक्स दिखाए गए हैं, कैसे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस और कैसे एक्टिवेट करना है सब कुछ। अब इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक न्यू टेम्पलेट, एक कस्टम टेम्पलेट हमें खुद डिज़ाइन करना है अपने अकॉर्डिंग। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एलिमेंटर पेज बिल्डर का हम यूज़ करेंगे वेबसाइट के पेजेस डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एडमिन डैशबोर्ड में ओपन कर लेते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड को। तो जो हमारी वेबसाइट थी पहले वो थी तो इसमें अब हम लॉगिन कर लेते हैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। तो अब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुके हैं और उसके बाद हम देख सकते हैं कि अभी हमारी वेबसाइट कैसी है। तो ये हमारी डेमो वेबसाइट बनी हुई है जो कि हमने एक टेम्पलेट से बनाई थी, एक डायरेक्ट टेम्पलेट इंपोर्ट किया था। इससे पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं और आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, कोई भी कस्टम टेम्पलेट। तो हम उस टेम्पलेट को देख लेते हैं, किसी भी एक टेम्पलेट को सर्च कर लेते हैं।
चलो इस टेम्पलेट को हम ले लेते हैं। ये एक लेबोरेटरी की वेबसाइट है, मेडिकल लैब, तो उसके लिए ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है। तो हम इसी को कस्टम डिज़ाइन करेंगे, फुल सेम टू सेम इसी की तरह डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे पूरे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसी टेम्पलेट को उठा लेते हैं। अभी हमारी वेबसाइट ये है और हमें इस टाइप से डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम हेडर डिज़ाइन करेंगे, इस पार्ट को हेडर कहते हैं। तो इसी हेडर को हमें डिज़ाइन करना है। ये पार्ट अबव हेडर होता है इतना पार्ट, और ये मेन हेडर होता है जिसमें हमारा कंपनी का लोगो और मीनूज और ये बटन हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी टेम्पलेट को हम डिज़ाइन करते हैं। अच्छा लग रहा है ये टेम्पलेट, सिंपल भी है और बढ़िया भी लग रहा है देखने में। तो सिंपल अब हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पर हैं, हमें टेम्पलेट्स कुछ डिज़ाइन करने हैं। हम थीम बिल्डर्स में जाएंगे, टेम्पलेट्स हमें डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हमें टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। इसमें हम ऐड न्यू टेम्पलेट कर देते हैं, और सबसे पहले हमें एक हेडर डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडर। और हेडर डिज़ाइन करने के लिए और मैं हेडर डिज़ाइन करना है, तो जैसा हेडर है वैसा हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये इतना पार्ट हमें डिज़ाइन करना है। दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये, दो पार्ट हैं हमारे। तो हम दो रो ले लेते हैं। दो रो आ गई, ये ऊपर वाली रो और ये नीचे वाली रो, ठीक है। इसमें ये एक ईमेल आईडी है, एक फ़ोन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तीन सेक्शन बना लेते हैं, और एक और कॉलम, और इस कॉलम को हम, इस कॉलम की विड्थ 50% दे देते हैं, और ये दोनों कॉलम हम दे देते हैं 25 और 25 के, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम हमारे बराबर हो गए, ये 50 हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पार्ट 50 से भी इधर ही है। वो बाद में हम चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पार्ट का बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो फ़िलहाल इसको वाइट ही रहने देते हैं। अब हमें ये फ़ोन नंबर और ये आइकन ऐड करना है, तो इसके लिए हम आइकन टैब में जाएंगे, और आइकन लिस्ट इसको हम ले लेंगे, ठीक है। और हमें एक चाहिए, तो हमने एक ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, इस वेबसाइट के हम कुछ कलर कोड्स उठा लेते हैं। और कलर कोड उठाने के बाद आइकन का जो कलर है, हम आइकन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ोन, तो ये वाला आइकन है, तो इसको इंसर्ट कर देते हैं, और कलर चेंज भी कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर में, सॉरी, वो आइकन कलर है ब्लू, तो आइकन कलर हम चेंज कर लेते हैं। और जो हमारा कलर कोड है उस वेबसाइट का, वो ये है, और इस कलर को हम प्राइमरी कलर ऐड कर देते हैं, मेन कलर, ठीक।
ठीक है, क्योंकि इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी इस कलर कोड की, तो इसीलिए हमने इसको ऐड करके रख लिया। बार बार अब हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो पार्ट है फोन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम ये पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया हमारा। अब क्या करना है कि इसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम स्मॉल कर देते हैं। टेक्स्ट का हम इसमें यहाँ से टेक्स्ट में हम साइज़ वगैरह या स्टाइल वगैरह डिज़ाइन कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से सब कुछ। तो फॉन्ट तो हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, लेकिन साइज़ छोटा कर देते हैं, ये साइज़ कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और दूसरी जगह हमारा क्या है कि ईमेल। ठीक है, तो ईमेल हम कॉपी कर लेते हैं और ईमेल को भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ईमेल। और आइकन हम चेंज कर देते हैं, एनवलप का आइकन है वो, तो एनवलप हम जैसे एंटर करेंगे ये हमारे पास एनवलप आ जाएगा और यहाँ से हमारा आइकन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ यानी जो हेडर का हमारा एबव हेडर है वो रेडी हो चुका है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको ब्लू कलर में रखना है और एबव हेडर, तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और कलर मैंने सेव करके रखा है, तो ये मेन कलर। ठीक है, तो ये ब्लू कलर हो गया। इसको फिर हमें कुछ अलग कलर देना होगा जिससे कि शो हो जाए। तो आइकन का कलर मैं डिफ़ॉल्ट कलर कर देता हूँ, फिर नहीं वाइट कर देता हूँ मैं इसका कलर। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये कलर हो गया। इसी तरीके से ईमेल का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लू कलर में, ब्लू कलर का बैकग्राउंड दे दिया गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हो गया हमारा। तो अब एबव हेडर हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको फुल विड्थ कर देते हैं और कॉलम में नो गैप कर देते हैं। ठीक है, या नो गैप नहीं, डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए इसको। तो अभी ये सही है। अब उसके बाद हमें ये मीनूज़ ऐड करनी है, एक बटन ऐड करना और लोगो। तो हम थ्री कॉलम्स इसमें बना लेते हैं। लोगो के लिए मान लीजिए हम एक 20% का, और मीनू के लिए हो गया इतना, और बटन के लिए हो गया हमारा 20%। ठीक है, ये मीनू के लिए, ये लोगो के लिए, ये बटन के लिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें लोगो यूज़ करना है, तो हम इस इमेज को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक इमेज लेते हैं, ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब इस लोगो को हम ले लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया। तो ये देखिए लोगो हमारा आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें मीनू ऐड करनी है, तो ये मीनूज़ हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। मैं देखिए मीनू का बता देता हूँ आपको, नेविगेशन आप एंटर करेंगे तो नेविगेशन मीनू से आपका आ जाएगा। अच्छा, अभी इसमें
एलिमेंटर का फ्री वर्ज़न इंस्टॉल है, इसलिए इसमें कुछ प्लगइन्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक मिनट में अभी प्रो वर्ज़न एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं प्रो वर्ज़न में। जब तक इसको पब्लिश कर देते हैं हम अभी इतना ही पार्ट। और डैशबोर्ड में जाके प्लगइन को हम एक्टिवेट कर लेते हैं, पेड प्लगइन को। अभी इसमें सभी प्लगइन फ्री वाले हैं और इनको सबको हम अपडेट भी कर देते हैं एक बार। डिज़ाइन अगर आपको अच्छी बनानी है, क्रिएटिव बनानी है, तो आपको पेड प्लगइन एलिमेंटर का चाहिए ही ज़रूरी है, बिकॉज़ काफ़ी सारे एडॉन्स मिल जाते हैं उसमें, उनसे काफ़ी अच्छी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको एलिमेंटर का प्रो वर्ज़न चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कैसे लेना है और कहाँ से लेना है, कैसे आपको चीफ पड़ जाएगा। तो ये सभी प्लगइन्स अपडेट हो गए हैं। अब हम अपना प्रो वर्ज़न एक्टिवेट कर लेते हैं। एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा तो उस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एलिमेंटर एडॉन के नाम से, और इसका प्रो वर्ज़न भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल प्रो वर्ज़न एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। एक प्लगइन की हेल्प से आपको बना के दिखाऊँगा। लेकिन बेनिफिट्स प्रो वर्ज़न में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। एक ये प्लगइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। ये प्लगइन आपका
इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर्ड हो गया। इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस प्लगइन के एडऑन्स अभी आए हमारे पास या नहीं आए। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लगइन के एडऑन्स आ गए एलिमेंटर एडऑन्स के नाम से। अब यहाँ पर हम एक मीनू सर्च कर लेते हैं, मीनू या नेविगेशन। तो एक ये सिंपल मीनू आ रहा है, एक नेविगेशन आ रहा है, और नेविगेशन से देखें हम क्या सर्च आ रहा है। तो सिंपल मीनू देखते हैं हम कैसा आ रहा है, इससे कुछ करते हैं। जी जी, तो इसको हमने ले लिया सिंपल मीनू को, और ये सारे हमारे जो मेन मीनू में थे वो सब यहाँ पर आ गए। तो मैं इस टाइप से करना है, तो इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं बट इसमें कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड में, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर को। यहाँ से हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। और मीनू अब दिखाई नहीं दे रहे हमें, तो उसका हमें कलर चेंज करना होगा। तो हम मीनू का कलर चेंज कर लेते हैं, मीनू का कलर ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रे टाइप है, तो हम ये ले लेते हैं कलर। ये हो गया सही कलर, ठीक है। और हमारा फॉन्ट बोल्ड है थोड़ा सा, तो हम फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए हमें टाइपोग्राफी में जाना होगा, और यहाँ पर हमें वेट पर सेलेक्ट करना और बोल्ड करना है, तो हम ये 700 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोल्ड हो गया, इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये होवर पर इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें होवर पर ओनली कलर इफ़ेक्ट आ रहा है, तो हमें ये भी रिमूव करना है होवर इफ़ेक्ट, तो हम वो भी कर लेते हैं। होवर को बैकग्राउंड कलर हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अब ये देखिए होवर का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और मीनू पर कलर इफेक्ट होना चाहिए, तो हम मीनू का होवर पर कलर कर देते हैं, जो हमने मेन कलर लिया था वो कलर, ठीक है। तो ये देखिए अब ब्लू जहाँ पर भी हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर ये ब्लू कलर एक्टिवेट हो रहा है। तो यानी अभी हमारा ये पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमारा ये पार्ट हो गया, हमें एक बटन ऐड करना है, तो बटन के लिए हम बटन सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बटन आ गया, और यहाँ से हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अभी ये थीम कलर है पहले की जो थीम एक्टिवेटर्स के अकॉर्डिंग, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कलर, कोई भी कस्टमाइज। हमें ये कलर लेना है, मान लीजिए इस टाइप से लेना है कि बॉर्डर आए, उसके अंदर ये गेट एन अपॉइंटमेंट लिख कर आए, और उसके बाद होवरिंग पर ब्लू कलर आना चाहिए। तो वही हम करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। तो सबसे पहले तो हम इसका कंटेंट चेंज कर देते हैं, गेट एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम चेंज करते हैं इसका कलर। तो कलर के लिए हमें जाना होगा और टेक्स्ट कलर तो हमें चेंज नहीं करना है, टेक्स्ट कलर भी हाँ हमें चेंज करना है, ब्लू रखना है, तो इसीलिए हम टेक्स्ट का कलर ब्लू सेट कर देते हैं। और टाइपोग्राफी थोड़ा सा हमें बोल्ड लेना, छोटा फॉन्ट लेना, फॉन्ट हमारा छोटा हो गया और फॉन्ट हो गया हमारा बोल्ड। तो ये कलर, ये फॉन्ट परफेक्ट है। अब हमें कलर चेंज करना है बैकग्राउंड कलर, तो ये है हमारा बैकग्राउंड कलर, और इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना है एकदम। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, और हमें बॉर्डर इसके दिखाने, बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर कलर हम सॉलिड कर देते हैं। तो सॉलिड में हम उसकी विड्थ देते हैं 1, इसकी देख लीजिए विड्थ कितनी है, 2 होगी, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर का कलर भी हमें ब्लू रखना है,
तो बॉर्डर का कलर हम ब्लू चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर रेडियस, ये अभी रेडियस में आ रहा है तो बॉर्डर रेडियस हम ज़ीरो कर देते हैं, तो ये स्ट्रेट बटन आ गया, एक रेक्टेंगल बॉक्स में आ गया, जैसे ये था वैसे ही हो गया। अभी होवर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं होवर इफेक्ट इसका सेट करना होगा। तो ये बटन में होवर इफेक्ट में जाइए और यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लीजिए जो था, यानी ये वाला कलर हो गया बैकग्राउंड, बट होवर पर हमें बटन का टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए हमें टेक्स्ट भी चेंज करना होगा, तो उसको हम वाइट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए सेम इफेक्ट आ गया बिल्कुल, यही यहाँ पर है इफेक्ट, वही इफेक्ट यहाँ पर आ गया आपको। तो अब ये इतना पार्ट यानी हेडर का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, चेक कर सकते हो आप, इस टाइप से हेडर आपका दिखाई देगा, कंप्लीट हेडर, और इसको आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये टेम्पलेट आपका क्रिएट हो गया, हेडर का टेम्पलेट आपका क्रिएट हो चुका है। और अब हम फूटर का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, तो फूटर के टेम्पलेट के लिए हमें जाना होगा, फिर से वही करना है काम, टेम्पलेट में हमें जाना है ऐड न्यू पर, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी हम टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद इसको एक्टिवेट कर देंगे सिंपल। तो अब हमें फूटर क्रिएट करना है, फूटर, और इसको आप पब्लिश कर दीजिए, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर कर दीजिए इसको, और फूटर हमें ये हमारा पार्ट होता है फूटर का, ये इतना पार्ट आपका फूटर का हो गया। अब इसका कलर कोड नहीं है हमारे पास, अभी इसका हम कलर कोड निकाल लेते हैं। तो फूटर हमें ये डिज़ाइन करना है ऐसा ही सेम फूटर, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स लीजिए आप सिंपल, और उसमें एक दो तीन चार फोर पार्टीशन करिए आप, फोर कॉलम बनाइए, या एक काम आप ये कर सकते हैं डायरेक्ट फोर पार्ट का एक कॉलम मतलब एक रो ले सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली फोर कॉलम बन के आ जाएंगे। तो ये हमने ले लिया, इसका बैकग्राउंड कलर हमें देना है, तो जो हमने ये वाला जो कलर था बैकग्राउंड में, इसका कलर कोड हमने कॉपी कर लिया है, तो वही कलर हम बैकग्राउंड में रख देते हैं यहाँ से, और ये कलर है और इसको हम ऐड कर देते हैं फूटर कलर क्रिएट, ठीक है, ये फूटर कलर हमारा हो गया है। अब सबसे पहले तो ये वाला लोगो यूज़ करना है, वाइट लोगो, इसको हम सेव कर लेते हैं फूटर लोगो। तो सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें भी, सिंपल एक इमेज लीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर आप इमेज में से उस फोटो को अपलोड कर लीजिए, जो वाइट लोगो फूटर लोगो था, ट्रांसपेरेंट लोगो, ये आपका हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसके लिए आप एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं, यहाँ से ये टेक्स्ट एडिटर, इसको ले लीजिए और यहाँ पर वो टेक्स्ट आप पेस्ट कर दीजिए सिंपल, और इसका मतलब टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप, तो वाइट टाइप में है कुछ कलर, तो ये कलर आप ले सकते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं फोटो टेक्स्ट कलर, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये सोशल मीडिया आइकन्स ऐड करने हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं सिंपल, आप सर्च करिए यहाँ पर सोशल, तो आपके सामने ये आइकन्स आ जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, बस ये आपके पास आइकन आ गए। लेकिन आपको स्टाइल ये रखनी है, सब कुछ वाइट कलर में विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप जाइए इसमें
ऑफिशियल कलर कोई दिक्कत नहीं, साइज़ आप चेंज कर दीजिए, इसका साइज़ मुझे रखना है 20, काफ़ी है 20, ठीक है, और 18 कर देता हूँ मैं इसका साइज़, 18 इनफ है। स्पेसिंग मुझे बीच में स्पेसिंग जो रखनी है वो 10, यहाँ पे कितने, यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग है तो इसलिए मैं 20 स्पेसिंग कर देता हूँ इसके बीच की डिस्टेंस, वो स्पेसिंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद आइकन कस्टम कलर हम ले लेते हैं, तो प्राइमरी कलर हम ट्रांसपेरेंट देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इसी टाइप का हो गया, नहीं हुआ इसी टाइप का हो गया, क्योंकि हमें यही चाहिए था स्टार्टिंग में भी, ठीक है। तो ये कलर हमारा सेम हो गया, और हवर कलर हमें ब्लू लेना है, तो हवर कलर हम सेकेंडरी कलर, क्योंकि आइकन का सेकेंडरी कलर हो गया और बैकग्राउंड का प्राइमरी कलर हो गया, तो आइकन का कलर लेना है हमें सेकेंडरी। तो ये देखिए हवर कलर हमारा हो गया एक्टिवेट, ठीक है। तो हमारा ये भी परफेक्ट हो गया, आइकन सेट हो गए। अब इसमें हम ये अभी मिडिल में आ रहे हैं, इसको हम साइड में कर सकते हैं, इधर साइड में और इधर साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इधर साइड में रखनी है तो हमने इसीलिए इधर रख दिया, या मिडिल में भी रख सकते हैं, मिडिल में ही रख देते हैं। चलिए मिडिल में हो गया। यहाँ पर हम इसका लिंक वगैरह दे सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक, ट्विटर का लिंक और यूट्यूब का लिंक हम दे सकते हैं, और ये पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हमें साइट मैप ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, तो ये वाला पार्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल एक आप हेडिंग लीजिए सबसे पहले, ठीक है, ये हेडिंग हो गई आपकी। हेडिंग का टेक्स्ट क्या है, साइट मैप, वो साइट मैप रख दीजिए आप, ठीक है। और कलर है आपका वाइट, तो कलर चेंज कर दीजिए आप, टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसीलिए हमें छोटा करना है, 20, फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा है, मतलब विड्थ इसकी ज़्यादा लग रही है, तो इसीलिए हम फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये फॉन्ट हम दे देते हैं, ठीक है, ये फॉन्ट आ गया हमारा। और उसके बाद हम ये मीनूज़ हैं हमारे, वो मीनूज़ ऐड कर सकते हैं, तो वही मीनूज़ में हम वही कर सकते हैं, मीनू का टैब लिया और ये सिंपल मीनू ऐड किया यहाँ पर, और पहले हमारा जो था वो हॉरिजॉन्टल था, इसको हम वर्टिकल कर देते हैं, तो ये वर्टिकल में आ जाएगा हमारा, देखिए आ गया वर्टिकल में। और सेम आप वही करिए, बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, ठीक है, और आप हॉवर कलर भी इसका, हॉवर कलर आप कर दीजिए इसका ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओवर कलर भी हो गया ट्रांसपेरेंट। अब होवर में टेक्स्ट का कलर आप ब्लू रख सकते हैं, जो मेन कलर था ये देखिए, ठीक है, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, जो ये वाला टेक्स्ट का कलर है वही ये टेक्स्ट का, मीनू के टेक्स्ट का कलर होगा, तो इसीलिए हम मीनू के टेक्स्ट का कलर अपडेट कर देते हैं, ये टेक्स्ट का कलर, और ये हमने फूटर का जो था टेक्स्ट, ये फूटर टेक्स्ट कलर ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है स्पेसिंग, ये ज़्यादा लग रही है बीच में, स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है तो वो स्पेसिंग हम कम कर सकते हैं, ठीक है।
ये आइकन है सब मेनू के लिए आइकन। इसकी स्पेसिंग देखनी पड़ेगी एक बार, इसमें इस प्लगइन में थोड़ा सा अपडेट हुआ है इसलिए मुझे ऑप्शंस देखने होंगे। ये स्पेसिंग भी कम हो जाती है। ठीक है, जब तक हम आगे का काम कर लेते हैं, ये पार्ट हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट हम हेडिंग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ सिंपल हम पेस्ट कर देते हैं और टेक्स्ट को ये अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टेक्स्ट अपडेट। यहाँ ब्लॉग हमें ऐड करने हैं तो हम ब्लॉग सर्च करते हैं या फिर पोस्ट। रिसेंट पोस्ट जब आप इसका पेड प्लगइन लेंगे एलिमेंटर का तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा भी है। ये मान लीजिए हमने ये पोस्ट लगा दी, वैसे वो सारी पोस्ट भी लग जाएंगी, ऐड करना होगा। ठीक है, तो वो सारे पोस्ट भी आ जाएंगे। या सिंपल अभी हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं इसकी जगह, सिंपल यही टेक्स्ट हम रख देते हैं क्योंकि अभी हमारे पोस्ट अवेलेबल नहीं है इस वेबसाइट डेमो वेबसाइट पर, तो इसीलिए इसमें दिक्कत हो रही है। तो सिंपल हम टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया और कलर हम इसका वही ये फॉन्ट कलर ले लेते हैं, फोटो फॉन्ट कलर देखिए। ठीक है, और इसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक्स आ गए। अब हमें यहाँ पर यही चीज़ देनी है तो ये हम दे देते हैं ब्लॉग। वैसे यहाँ पर अपडेट्स होना चाहिए। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम रख देते हैं, अपडेट कर देते हैं और इस ब्लॉक की जगह हम कर देते हैं सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, और इसमें अब हमें एक ये फॉर्म एक्टिवेट करना है, तो इस टाइप से हमें फॉर्म क्रिएट करना है एक, वो भी हम कर सकते हैं। ये भी इंक्वायरी फॉर्म क्रिएट है WP फॉर्म में, तो इसीलिए इंक्वायरी फॉर्म ही आ रहा है यहाँ पर।
तो अभी हम उसी को सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए टॉप से यहाँ पर पैडिंग दी गई है और बॉटम से भी पैडिंग दी गई है, उसके बाद ये कॉपीराइट टेक्स्ट दिया गया है तो ये भी हमें ऐड करना है। तो इसके लिए सिंपल हमें एक और रो ऐड करनी होगी। ये रो हमारी ऐड हो चुकी है और यहाँ पर हमें टेक्स्ट रखना होगा और टेक्स्ट में जो भी कॉपीराइट कंटेंट है वो हमने रख दिया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर वही सेम रखना है कलर, और बैकग्राउंड कलर हम मेन फूटर कलर दे देते हैं, ठीक है। ये फूटर कलर हो गया और टेक्स्ट का कलर मैं वाइट रखना है तो वाइट हम रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा और उसके बाद टॉप से हमें ये बॉर्डर देना है, एक ये बॉर्डर, तो इस बॉर्डर को हम देंगे। तो उसके लिए हमें बॉर्डर में जाना होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर में हम सॉलिड कर देते हैं और ये चारों तरफ बॉर्डर एक्टिवेट हो गया, बट हमें एक तरफ देना है तो इसीलिए सभी तरफ से हम ज़ीरो करेंगे और टॉप से हम इसको वन कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर का कलर हम कर देंगे वाइट, ठीक है। और टॉप से हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं जिससे कि ये मिडिल में आ जाए टेक्स्ट, ये हो गया, ठीक है। और इसमें भी हमें पैडिंग देनी होगी बिकॉज यहाँ से भी पैडिंग है और इधर नीचे से भी पैडिंग है, तो यहाँ पर हम पैडिंग दे देते हैं टॉप एंड बॉटम से 50 एंड बॉटम से भी 50 की, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेव। अब हमारा फूटर का कंटेंट, फूटर का टेम्पलेट भी रेडी हो गया और हेडर का टेम्पलेट भी रेडी हो चुका है। फूटर और हेडर का टेम्पलेट हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, ये अपडेट हो गया, इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं अब। और एक हमें छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, तो हम उसके लिए प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे एंड हेडर फूटर, ये सर्च करेंगे तो हो सकता है कि इससे आ जाएगा वो प्लगइन, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है। तो आप ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो अभी सिंपल मैं इस प्लगइन को कर लेता हूँ इंस्टॉल। एंड एक्टिवेट कर देता हूँ इसको। और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा इसमें अपीयरेंस में, आप जाएंगे तो आपको एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऐड न्यू में क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर डाल सकते हैं
या स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप हेडर एंड फुटर में डाल सकते हैं क्या आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हेडर मुझे रखना है, हेडर रख दिया मैंने। हेडर यहाँ से टेम्पलेट चूज़ करना है, कहाँ पर डिस्प्ले करना है तो मुझे एंटायर वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है। तो आप ये देखते जाना। देखो अभी मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। अभी आप वेबसाइट देखिए, तो इसका हेडर ये हो गया आपका और फूटर आपका ऐसा ये हो गया। और अब देखिए मैं एक्टिवेट करता हूँ जैसे ये एंटर वेबसाइट के लिए और हेडर, और ये पब्लिश कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और पब्लिश करने के बाद हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। और एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद हमें एक छोटा सा काम करना है, जो हमने टेम्पलेट अभी बनाया था हेडर फुटर का, उसको इम्पोर्ट करना है, इंसर्ट करना है इस पेज पर, इस हेडर की जगह पर हेडर का, और फुटर बनाएंगे तो फुटर का। अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस आपको इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं, ये टेम्पलेट इम्पोर्ट का ऑप्शन है, माई टेम्पलेट्स में जाइए। तो माई टेम्पलेट्स में जो हमने हेडर और फुटर की क्रिएट किए थे वो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ये हेडर का इंसर्ट कर दीजिए और यस। तो आप देख सकते हैं ये हेडर का टेम्पलेट आपके पास आ चुका। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम इंपोर्ट होके आ गया। अभी इसमें ये प्रो वर्ज़न नहीं है तो इसलिए ये स्टिकी हेडर नहीं हो पाएगा। अगर प्रो वर्ज़न होगा आपके पास एलिमेंटर का, तो आपके पास ऑप्शन आएगा मोशन इफ़ेक्ट में स्टिकी हेडर का, तो वहाँ से आप इस हेडर को स्टिकी कर सकते हो। तो जब भी आप स्क्रॉल करोगे इस टाइप से तो ये स्टिकी रहेगा और बाकी चीज़ें स्क्रॉल होती जाएंगी, लेकिन अभी कंप्लीट स्क्रॉल हो जाएगा क्योंकि अभी मेरे पास प्रो वर्ज़न नहीं है इंस्टॉल। इसलिए मैं वो भी चीज़ आपको सिखा दूंगा, अब अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करने कर देना वीडियो में, तो आप इसको अपडेट कर दीजिए। और अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखो व्यू रिफ्रेश करके। अब आप चेक करिए हेडर चेंज हो चुका है, जो हमने डिज़ाइन किया था कस्टम वो एक्टिवेट हो गया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है कस्टम, जब आप अपनी मेहनत से करोगे डिज़ाइन सब कुछ तो काफ़ी अच्छा, इससे भी अच्छा कर सकते हो आप, और भी अच्छा टेम्पलेट देखकर, ठीक है। और ये जैसे थोड़ा सा ये बीच में स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम कर सकते हो स्पेस, यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग दे दो ज़्यादा, ठीक है। अब आप चेक करो इसकी स्पेसिंग कम हो गई होगी, हाँ अब एकदम परफेक्ट लग रहा है, आप चेक कर सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और ये आपका गेट एन अपॉइंटमेंट बटन भी आ गया, अगर आप देखोगे तो ये जो मेन वेबसाइट है उससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ हमने ब्लू बैकग्राउंड ऊपर दे दिया, वही हमारे फुटर का कलर भी है एक तरीके से, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, बटन भी कितना अच्छा लग रहा है, इसमें आप लिंक वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो, बटन में लिंक देना है कोई भी तो यहाँ पर आप लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेनूज़ में कुछ और कलर चेंजिंग करना कुछ भी आप कर सकते हो, लोगो अपडेट करना है यहीं से आप लोगो अपडेट कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल, ठीक है। अब इसी तरीके से हम फूटर ऐड कर देते हैं, अभी हमारे पास फूटर ये है आप देख सकते हो, मैं फूटर लगाता हूँ,
हेडर हो गया। इसी तरीके से मैं एक ऐड न्यू कर लेता हूँ टेम्पलेट। हेडर फूटर बिल्डर में ही हम काम कर रहे हैं अभी, और इसको हम फूटर दे देते हैं नाम फूटर। और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा हो गया फूटर, ठीक है। डिस्प्ले एंटायर साइट, पूरी साइट पर हमें दिखाना है यही फूटर और यही हेडर, तो हमें बस यही सिलेक्ट करना और पब्लिश कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका फूटर, ठीक है। और इसमें अब आपको इसमें भी एडिट विद एलिमेंटर करना है सिलेक्ट, और जो हमने फूटर बनाया था वो इंसर्ट करना है, बस सिंपल वन क्लिक। पहले से आप टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं और उसके बाद इंपोर्ट कर दीजिए आप सिंपल, इससे इजी भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छी आप वेबसाइट बना सकते हैं इससे। और अब यहाँ पर जाइए टेम्पलेट इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, माई टेम्पलेट्स में जाएंगे और फूटर आप इंसर्ट कर दीजिए। तो ये आपका फूटर इंपोर्ट हो चुका है। तो ये देखिए आपका फूटर भी इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और फूटर हमारा इंसर्ट हो गया आराम से, वही जो हमने फूटर डिज़ाइन किया था वही आया है। और ये हमारा न्यूज़लेटर का फॉर्म है, वैसे तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो हमने कॉन्टैक्ट पेज पर लगाया है, इसको हम चेंज कर देंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसी को अपडेट कर देते हैं, लेकिन बाद में इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ से एक न्यूज़लेटर का फॉर्म बनाएंगे WP फॉर्म में, वो आपको दिखा दूँगा मैं इसी वीडियो में बनाकर, और उसके बाद यहाँ से हम चेंज कर देंगे। और सिंपल हमें एक ईमेल आईडी रखनी है और एक सबमिट बटन चेंज करना है, और इसका कलर भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और अब आप अपना फूटर चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट का रिफ्रेश करके। तो देखिए एवरीथिंग इज चेंज नाउ, और कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। ये हमारा ऐसा हो गया, और इस वेबसाइट का कैसा फूटर था, ये सेम ही फूटर था, थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करना होगा, ये सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा, सब कुछ ऐसे ही हो सकता है, थोड़ा सा और टाइम आपको देना होगा। और इसको हम मैं चेंज करके बता दूंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले इसी को हम चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं WP फॉर्म में, और जिस तरीके से मैंने फूटर डिज़ाइन किया इसी तरीके से आप इंटीरियर कंटेंट भी ये सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं बीच का कंटेंट ये सेम एग्जैक्ट सेम बिल्कुल डिज़ाइन करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है। तो हम चलते हैं WP फॉर्म्स में, और इंक्वायरी का हमारे पास एक फॉर्म है, बट हम एक फॉर्म बना लेते हैं सिंपल। इस टाइप से हमें बनाना है एक फॉर्म, ईमेल आईडी रखनी है और सब्सक्राइब का बटन रखना, तो वही हम कर लेते हैं। एक न्यूज़लेटर फॉर्म बनाना है हमें, तो इस टेम्पलेट को हम यूज़ कर लेते हैं। ये नेम का फील्ड हमें हटाना नहीं रखना, तो इसको हम हटा देते हैं, सिंपल ईमेल का फील्ड रखना है। और लेबल हमें हटाना, तो इसको हम बनाते हैं सेम, एक लार्ज साइज का कर देते हैं इसको, प्लेस होल्डर में हम कर देते हैं एंटर योर ईमेल एड्रेस, ठीक है।
ये हो गया हमारा फॉर्म, और सबमिट की जगह हम बटन कर देते हैं उसका नाम, ये बटन का हमारा नाम है सब्सक्राइब। तो यहाँ पर भी हम नाम देते हैं, यहाँ से बटन का नेम चेंज हो जाएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और न्यूज़लेटर फॉर्म इसके नाम से हम ऐड कर देंगे, और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम हमारी वेबसाइट में देखिए हेडर हमें एडिट करना, तो डायरेक्ट हम हेडर पर क्लिक करके कर सकते हैं, फूटर करना फूटर पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो अभी हमें फूटर में ये कॉन्टैक्ट फॉर्म चेंज करना था, तो इसको हम करने के लिए हम इसी में जाएंगे फूटर में, और फूटर में हम जैसे ही जाएंगे तो सिंपल एक ही अपडेट करना है, छोटा सा अपडेट है, अब ये WP फॉर्म में दो फॉर्म आ गए होंगे, एक तो इंक्वायरी जो कि हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर है, और एक न्यूज़लेटर का जो हमने अभी बनाया है वो अभी आ जाएगा। रिफ्रेश कर दिया मैंने पेज, लोडिंग चल रही है, वो अभी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज़लेटर का फॉर्म आ गया, और ये फूटर एडिटर भी हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें ये फॉर्म चेंज करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, ये न्यूज़लेटर का फॉर्म यहाँ पर भी आ गया, इसे सेलेक्ट करना है। अब देखिए सिंपल हमारा एक ईमेल एड्रेस आ गया, एक सब्सक्राइब बटन आ गया, लेकिन सब्सक्राइब बटन की डिज़ाइन हमें चेंज करनी है, क्योंकि ये काफ़ी बेकार लग रही है डिज़ाइन, हमें इस टाइप से डिज़ाइन करना है, या इस टाइप से हम कर सकते हैं डिज़ाइन। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा और अपडेट करना होगा, अभी तो यहाँ से तो हम अपडेट कर देते हैं, यहाँ का अपडेट फाइनल हो चुका है हमारा। अब यहाँ से हमें कुछ काम नहीं करना, क्योंकि ये थीम का बटन है, तो इसीलिए इसका काम भी थीम में ही होगा, थीम कस्टमाइजेशन में। तो वहाँ हम चलते हैं सबसे पहले होम पेज पर, होम पेज पर जब हम चलेंगे तो अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये बटन आ गया, और देखिए काफ़ी अच्छा फूटर लग रहा है अब, है ना। इसको हम थोड़ा और मतलब इसकी स्पेसिंग कम कर सकते हैं, इसको भी अच्छा कर सकते हैं, जब हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे तो वो हम अच्छे से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ब्लॉक्स ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसे ही मैंने टेक्स्ट एडिट कर दिया, और अब हमें कस्टमाइजेशन पर जाना है, इस पर क्लिक करना है जिससे कि हम बटन चेंज कर सकें, थीम का बटन चेंज। तो कस्टमाइज़ पर हम जाएंगे, कस्टमाइज पर हम चले गए, ये ओपन हो रहा है अभी। मैंने इस वीडियो में आपको कोई भी स्टेप स्किप करके नहीं दिखाया, सब कुछ आपके सामने डिज़ाइन किया, इसीलिए आप इजीली आप बना लोगे। और फिर भी अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करूँगा, हेडर और फूटर बिल्ड करने के बाद। और आपको WP फॉर्म अपडेट करना बता ही दिया, कैसे क्रिएट करना ये भी आप समझ गए। और नेक्स्ट वीडियो में बीच का कंटेंट हम डिज़ाइन करेंगे इसी थीम का, सेम थीम को लेंगे, और ये सेम टू सेम हम डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल, ठीक है, ये बीच का कंटेंट, क्योंकि टाइम लगेगा अगर इसी वीडियो में मैं कर दूंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी वीडियो प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए अभी मैं इतना ही करूँगा।
सिर्फ बटन मुझे चेंज करना है और उसके बाद वीडियो को मैं क्लोज़ कर दूंगा यहीं पर अभी। तो आप ग्लोबल में जाइए बटन चेंज करने के लिए। ये शायद वर्क नहीं कर रहा है अभी, इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। शायद नेटवर्क इशू है तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा, अभी वर्क नहीं कर रहा। चलिए मैं इसको भी आपको अपडेट करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक सब्सक्राइब बटन और बीच का कंटेंट हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेम थीम पर हम वर्क करेंगे, ये पूरा टेम्पलेट कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। अभी हमारा हेडर पार्ट हो गया कंप्लीट, फुटर पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉल टू एक्शन डिज़ाइन करेंगे, ये कॉल टू एक्शन पार्ट हो गया आपका। ये काउंटर्स डिज़ाइन करेंगे हम, नंबर्स नंबरिंग्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।